सबसे पहले जिन शासन की सदाकार जय विजय हो, समस्त गुरु भगवंतों के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन हो, और मेरे जिन शासन के रखवाले सभी श्रावक और श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। सबसे कल के विषय को आगे बढ़ाएं। एक गीत के माध्यम से स्वयं को समझाते हुए चल, और फिर आज के विषय में प्रवेश करें। सदा बाल तेरे रहेंगे नकाले, जो खा खा के मक्खन मलाइयों से पाले, है चंदन सुनाता तुझे साथ भाई, है चंदन सुनाता तुझे साथ भाई। सफल कर ले जीवन, सफल कर ले जीवन, प्रभु गीत गा ले, जो खा खा के मक्खन मलाइयों से पाले। सदा बाल तेरे रहेंगे नकाले, जो खा खा के मक्खन मलाइयों से पाले। ये बात अगर दिल में जच जाए कि बाल जब सफेद होते हैं ना, वो तो बेनूर हो जाते हैं, सफेद बाल पसंद नहीं। किसी के समय से पहले आ जाते हैं, समय से पहले भी कहना गलत बात है, क्योंकि जिनका समय हो गया वो भी काले करवाते रहते हैं, करें क्या, समय तो हम कह नहीं सकते भाई कि समय से पहले समय के बाद। उसे हम छुपाने की कोशिश तो करते हैं, पर लेकिन तुम्हें अंदर से तो पता ही है कि बाल अब सफेद हो चुके हैं। पहले बालों की सफेदी किसी के लिए प्रेरणा बन जाती, अब बाल हो गए सफेद भाई, अब ये काले कर्म करना छोड़ दो, अब बाल हो गए सफेद, जरा प्रभु की तरफ ध्यान दो। ये पहले एक आइडिया हुआ करता था, एक चेतावनी भी हुआ करती, आदमी ये समझ लेता था कि बाल सफेद हो गए हैं, अब जरा वापिस लौटाओ। और पंजाबी के अंदर गिनती भी एक ऐसी आती है, और जब आई भी कहां है, बिल्कुल मिडल में जाकर, 50 के बाद जो गिनती आती है, तो पंजाबी में 51 को 51 बोलते, 51 यानी अब तू एक का बन जा, अब छोड़ झमेले, काय को इधर उधर डोले, काय को इधर उधर भटकता है, सब देख ली दुनिया तूने अबे। क्योंकि पहले 50 साल की उम्र तक आते आते वो दादा दूधा बन जाते थे पहले, अब तो बच्चों की शादी किसी की 36 साल की उम्र में हो रही है, कभी की 20 साल की उम्र में हो रही है, लेकिन पहले 17-18 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, और 50 साल की उम्र तक सब कुछ वेल सेटल हो जाते थे, फिर ये सोच लेते थे भाई अब जयराम जी। हाँ,
क्योंकि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में 51 साल को इसलिए बोला जाता था, 50 साल की उम्र गृहस्थी में लगाओ और बाकी की जितनी उम्र है, क्योंकि पहले अगर 100 साल की उम्र लेकर के चलते थे, ये सोच करके चलते थे कि आधा समय संसार को दे दिया और बाकी का समय करतार को दे दिया। करतार यानी प्रभु को, खुदा को, परमात्मा को, बाकी की जिंदगी उसकी। अब हमें इन झमेलों से निकल जाना है। यानी पहले आदमी ये जानता था इस साल के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा दुनिया से, मानसिक रूप से रहूंगा दुनिया में, लेकिन बीच में टांग अड़ाना, बात बनाना, अपनी चलाना, ये हुकूमत नहीं करना। बस भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें खाने पिनाने लायक बना दिया, तुम अपनी जिंदगी खुद चला सकते हो, संभाल सकते हो, अब इस परिवार में मेरी कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। यानी इसको कहते हैं रिटायरमेंट लेना, कि अब दुनिया में रहूंगा, लेकिन वो वाली बात आती है ना, बाजार से गुजरा हूं, तलबगार नहीं, खरीदार नहीं, दुनिया में रहता हूं, तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं, बस अब खरीदना नहीं, अब ये बस हो, जो भी कुछ अब अपनी सुरती उससे लगाएगी। इसलिए उनकी मृत्यु भी महोत्सव बन जाती थी, परमात्मा की मोहब्बत में कुर्बान हो जाते थे लोग। और इससे एक फायदा और होता था, एक तो मन को शांति रहती थी क्योंकि परमात्मा से जुड़ गए, और फिर उनको भी शांति रहती थी जिनके साथ टोका टाकी चलती थी। और मैं तो यही कहता हूं अपने बुजुर्गों को कि कम से कम एक उम्र के बाद इसके ऊपर कंट्रोल कर लो, कम से कम बोलो, कम से कम खाओ और मौज मनाओ, जिंदगी जियो और जीने दो औरों को आराम से। पर लेकिन करे क्या, जो जो आदमी की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों लालसाएं बढ़ जाती है। और आपने ये भी कभी सोचा नहीं, सरकार ने भी मुकर्रर कर दिया, सरकार ने भी कह दिया है रिटायरमेंट की उम्र यह है, कहीं 58 है, कहीं 60 है। और पहले तो एक कहावत ही आ जाती थी, बंदा 60 का हो गया, अब ये सठिया गया, अब पता नहीं क्या बोल देगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा। पर अपनी इज्जत अपने हाथ में होती, इसलिए मैं आप लोगों को तो क्या समझाऊं, क्यों समझदार हो आप, कह सकते हो महाराज आप इस धंधे में पड़े नहीं इसलिए बोल रहे हो और दूर दूर से हमें समझा रहे हो, अगर इस धंधे में पड़े होते तो पता चल जाता। ये तो भैया मेरी पुनवाणी है जो मैं इस धंधे में नहीं पड़ा, मेरी पुनवाणी जो पड़ा नहीं, भगवान की कृपा है, जो थोड़े बहुत बाल हैं वो भी चले जाते। पर लेकिन चलो मैं फिर भी एक बात कहता हूं, कब तक रहोगे, कोई दिन तो निश्चित कीजिए, कोई उम्र तो निश्चित कीजिए, वापिस लौटने की, अपने आप में आने की, अपने आप को समझाने की। तो मेरी बात यह है कि आचार्य हरिभद्र सूरी, आचार्य हेमचंद्र सूरी गृहस्थ जीवन को सजाने के लिए या संभालने के लिए या जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, धन और धर्म का संतुलन बनाने के लिए, संसार का व्यवहार करते हुए हम अपने आप से कैसे जुड़े, इन समस्त बातों को चिंतन के सूत्रों में पिरोया है। और दुनिया में रहने वाले को धर्म से जोड़ने का अभ्यास कराया है। उन्होंने कहा कि हर कोई साधु नहीं बन सकता, कोई बात नहीं, तुम गृहस्थ में रहते हुए भी साधु जैसा जीवन जी सकते हो, आनंद वाला जीवन जी सकते हो, मस्ती वाला जिंदगी जी सकते हो, अपनी इच्छाओं को कम करते हुए मस्ती की जिंदगी जी सकते हो। सच कह रहा हूं, इच्छाएं ही हैं जो इंसान को इतना परेशान करती है, ये तो आप भी जानते हो।
बाइबल में एक बात देखो कितनी गजब की कही उन्होंने, एक छोटे से शब्द में कितनी कितनी गहरी बात कह जाते थे अनुभवी। नमस्कार करता हूं उनको, परमात्माओं को। उन्होंने मनुष्य की और भगवान की, इंसान की और भगवान की बड़ी सुंदर परिभाषा की और बीच में एक डिजायर को लिया, डिजायर, डिजायर यानी इच्छा। वहां एक चीज आई, गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन। गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन। मैन माइनस डिजायर इक्वल गॉड। ये जो इंसान और भगवान की जो परिभाषा दी उन्होंने, बड़ी गजब की थी। क्या चीज है, क्या अनुभव है। वहां क्या बोलते हैं कि गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन। अगर परमात्मा में डिजायर यानी इच्छा आ जाए तो वो इंसान बन जाता है, यानी भगवान भी इंसान बन जाता है। कब? जब उसमें इच्छा आ जाती। इसलिए सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में अवतारवाद का जन्म हुआ। अवतार कहते कि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम जी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, यानी भगवान कोई और है, अवतार कोई और है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये बोला गया। यानी विष्णु एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी पोजीशन है जिसे हम भगवान मानते हैं, और कृष्ण या राम एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी शेप है जिसे हम इंसान कहते हैं। और वहां गीता में बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होती है, दुर्जनों का यहां पर बढ़ाव होता है, तो मैं जन्म लेता हूं इंसान के रूप। तो वहां अवतारवाद है। अवतार कहते हैं ऊपर से नीचे आना, अवतार अवतरण, यही तो बोलते ना, अवतरण। अवतरण यानी ऊपर से नीचे आना, अवतार लेना, यानी भगवान से इंसान बनना, इसको हम अवतारवाद कहते हैं। और जैन परंपरा में उत्तारवाद है, उत्तारवाद यानी इंसान से भगवान बनना। वहां भगवान से इंसान बनता है और यहां पर इंसान को भगवान बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, उसका भी एक फार्मूला ही बतला दिया गया है कि जब भगवान में इच्छाएं जन्म लेती हैं कि मैं इंसान बनूं और लोगों का कल्याण करूं, लोगों के पास जाऊं, ये इच्छा अगर आती है तो उसे इंसान बनना पड़ता है। लेकिन जैन धर्म एक फिलोसफी को मानता है, दूसरे पहलू को मानता है ईसा मसीह के। वो ये कहते हैं कि मैन माइनस डिजायर सिंपल गॉड। अगर इंसान में से इच्छाएं निकल जाए तो भगवान बन जाता है, बस इतना ही तो फर्क है। भगवान में इच्छाएं आ जाए तो इंसान बन जाता है, और इंसान से इच्छाएं निकल जाए तो वो भगवान बन जाता है। इच्छाएं हमें रोक करके रखती हैं। इसी बात के ऊपर तो कबीर साहब कहते हैं, चाहा चाहा चाहत जिसको बोलते हैं हम, चाहा चमारी चोरटी सो नीचन की नीच। वो कैसे बोलते, क्योंकि उनकी अखड़ बोली है भैया, और वो सीधी डायरेक्ट लगती है दिल को, डायरेक्ट। क्यों करोगे, रुकोगे कहां? तो शिष्टाचार प्रशंसा है। ये जो बात है शिष्टाचार, यानी आचार्य हेमचंद्र सूरी और शिष्ट चरित्र प्रशंसण आचार्य हरिभद्र सूरी, एक चीज बात कहते हैं कि तुम अपने आप को शिष्ट व्यक्ति से जोड़ो, अनुशासित व्यक्ति से जोड़ो, मर्यादित व्यक्ति से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, किसी संत महात्मा से जोड़ो, अरिहंत से जोड़ो, ऐसे व्यक्ति से जोड़ो जहां परम आनंद है, ऐसे व्यक्ति से जोड़ो जहां संसार की इच्छाएं
काम नहीं करती है, ऐसी व्यक्ति से जोड़ो जहां तुम शून्य में चले जाओ, ऐसी व्यक्ति से जोड़ो जहां इच्छाएं कम हो जाए, ऐसे व्यक्ति से जोड़ो कि वो दिन कब धन्य, वो दिन कब आएगा जब मैं संसार के सभी प्रपंचों से मुक्त होकर हाँ श्रावक वृत्ति को धारण करूंगा, और श्रावक ये सोचे वो दिन धन्य कब होगा, अपनी आत्मा की साधना करूंगा। जीते हो तो कभी सर्दी, कभी जुखाम, कभी ठोकर, कभी कुछ ना कुछ आपको भी तो लगती होगी। आप एक जैसी जिंदगी तो नहीं जीते, तो यही तो जिंदगी हमारे साथ भी है कि हमने क्या पता कितने उत्तम भाव में दीक्षा ली, लेकिन कुछ कर्म का बदलाव आ गया, कुछ कर्मों का फेर हो गया कि हम बदल गए, हम कुछ ना कुछ इधर उधर भटक गए। लेकिन ऐसे भटकते हुए को अगर तुम धुतकारने लग जाओ और या अपने आप को श्रेष्ठ समझकर या ये समझकर इनसे अच्छे तो हम ही है ये सोच करके टिप्पणी कर जाना, अपने आप का बचाव करना, तो ये भी तो हो सकता है। दूसरों की गलतियां देख करके आपके अंदर एक भाव भी तो आ सकते हैं कि कर्मोदय ने इनसे जो गलती करवाई है वो गलती मैं ना करूं, ये भी तो तुम सोच सकते हो, मैं भी तो बच सकता हूं इन चीजों से। यानी जिस बंदे ने जिस तरीके से ठोकर खाई है मैं वो तरीका छोड़ दूं। मैं इसलिए कभी कभी, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था, बीरबल से क्या पूछा कि बीरबल तू ये बता तू इतना बुद्धिमान बना कैसे, तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मैं बुद्धिमान बेवकूफों को देख देख के बन गया। क्या मतलब, बेवकूफों को देख देख के मैं बुद्धिमान बन गया, भाई मेरी समझ में नहीं आई। तो बीरबल कहता है अकबर को कि जिन गलतियों से वो बेवकूफ कहलाए मैंने वो गलतियां करनी छोड़ दी। बस सिंपल सा गणित भैया, मैंने वो गलतियां करनी छोड़ दी जिन गलतियों से सामने वाला बेवकूफ कहलाया, पागल कहलाया, बुद्धू कहलाया, मैंने वो गलतियां करनी छोड़ दी और उनसे मैंने सीख लिया कि ये गलती करने से पागल कहलाया, बुद्धू कहलाया, नादान कहलाया, समझ कहलाया, मैंने ये काम ही नहीं कर। तो आप कहीं से भी पॉजिटिव चीज तो लीजिए, आप तो आप ये समझिए, ये भी तो सोच सकते हो कि संत जीवन होते हुए भी अगर इनसे गलती होगी, हम तो ऑलरेडी गृहस्थी हैं, हमसे क्यों नहीं गलती हो सकती है, और भी गलती हो सकती है। तो इसलिए साधु के लिए कहीं ना कहीं से एक सॉफ्ट कॉर्नर गृहस्थी के अंदर होना चाहिए। और साधु यानी ये मत समझना बाने का ही साधु है, ये मत समझना, क्योंकि यहाँ ये भ्रांति हो जाती है। जो भी सज्जन है, जो भी श्रावक है, जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, उससे भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो हो सकती है ना। तो उनसे अच्छे लोगों से भी तो गलती हो सकती है। मैंने तो एक जगह एक शेर पढ़ा है कि घुड़सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में, घुड़सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में, वो खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे, वो खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। घुड़सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में, जो घुड़सवार होते, जो घोड़े पे सवार होते वही तो नीचे गिरते हैं, जो नीचे पड़ा हुआ है वो क्या गिरेगा, क्या गिरेगा। लेकिन ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि हम क्या ना करें जिससे हम गिरे। ये दृष्टि है, और ये दृष्टि कब आती है, ये दृष्टि आती है सामने वाले के गुण देखने से। दोष देखोगे, बुराइयां देखोगे, तो बुराइयां हमारे जीवन में जरूर आएगी, क्योंकि आपने केवल बुराई को देखा ही नहीं है, अब उस बुराई को तुम याद भी करने लगे हो। जब भी उसका चेहरा सामने, अरे हमने देख लिया, अरे देख लिया, बनता है बड़ा धर्मात्मा, कुछ नहीं है, सब ढोंग है। ये जो चीज है, इस निंदा के भाव को जितनी मात्रा में आप कम कर दोगे, आप उतने ही मात्रा में सद्गुणी बन जाओगे। और निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरे भाव नहीं लाना। अब ये भी तो एक विशेष बात,
निंदा करने वाले के प्रति हमें एक खुंदकशी आ जाती है, जब देखो मेरी बुराई करता रहता है। क्यों भाई? भाई उसका जो काम है वो कर रहा है। अब देखो पहला दृष्टिकोण मैंने आपको दिया कि जिंदगी में किसी की बुराई नहीं करना। फिर दूसरी बात ये कि कोई हमारी बुराई करे तो हम, चलो हम तो किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी बुराई करे तो हम क्या करें? तो एक चीज और याद रखो आप कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? अब देखो आप शीशे के सामने गए, आईने के सामने गए, आपके बाल बिखरे पड़े हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो अब उसने, आईने ने तुमको क्या बताया? तुम्हारा चेहरा दिखाया, तुम्हारे उलझे हुए अस्त व्यस्त बालों की तरफ बताया कि देख तेरे बाल गंदे पड़े हैं। तो आपने ये देख करके कभी शीशे को तो नहीं तोड़ा आपने कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बताने की मेरे बाल खराब है? आप शीशे को कोई तोड़ते हो, बल्कि शीशे से प्रेरणा लेते हो कि बाल अस्त व्यस्त है तो जरा इनको हम ठीक कर लेते हैं। बोलो जी। अब वो आईना आपके लिए प्रेरणा बन गया कि इस आईने की मेहरबानी जिसने मुझे ये बता दिया कि तेरे बाल ठीक नहीं है, सभ्य नहीं है, तो बाजार में जा रहा है, जरा ढंग से जा भाई, अब तू डेट बन के जा, तेरे कपड़ों में ये चीज चीज नहीं है, तेरे चेहरे पर ये गंदगी लगी है, इसको तू धो ले, इसको तू साफ कर ले, फिर जा। तो उसने आपकी कमी बताई तो आप शीशे को थैंक यू बोलते हो। तो अगर किसी विरोधी ने, किसी निंदक ने तुम्हारी बुराई करी तो तुम ये भी तो सोच सकते हो शुक्रिया। मैं तो दो बातें बोलता हूं, सामने वाला अगर हमारी कोई कमियां बता रहा है और एक्चुअल में वो कमी हमारे अंदर है तो भी उसकी बात का बुरा मानना नहीं, क्योंकि थैंक यू उसका कि इसने मेरी कमी मुझे याद दिला दी। ये भाव अगर आ गया आपके अंदर तो आपका जीवन बदल जाएगा। दूसरी बात और बोल रहा हूं, जो कमी आपके जीवन में है ही नहीं और वो ईर्ष्यावश या द्वेषवश या किसी के बहकावे में आकर के सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपकी वो निंदा करने लग गया तो भी बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेचारा भोला है, उसे पता कोई है मेरे बारे में, जैसा जिसको, जैसा जिसने बोल दिया वैसे बोल रहा है, तो इसके ऊपर गुस्सा करके करेगा क्या तू? उसकी बुराई करके तुझे मिलेगा क्या? उसके लिए बुरा सोच के मिलेगा क्या? वो बेचारा अपना काम कर चुका और उसकी जबान, उसका दिमाग और मेरे हाथ में कोई है। और ये कहावत भी तो आती है ना, मारते हुए का हाथ तो पकड़ सकते हो लेकिन बोलते हुए की जबान तो आप पकड़ नहीं सकते हो। तो कबीर साहब तो हमेशा एक बात कहते थे, निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवा। वह कमाल की बात है, उसका क्या नजरिया होगा, क्या गहरा दृष्टिकोण होगा कि निंदक को हमेशा अपने सामने रखो। और मुझे इंग्लिश की एक कहावत समझ में आती है, विदाउट अपोज नो पोजिशन, नो पोज विदाउट अपोज, हाँ नो पोज विदाउट अपोज। आपका जो पोज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो पोजिशन है, विदाउट अपोजिशन के नहीं हो सकती। यानी हमारे ऊपर किसी की नजर तो है, कोई बोल तो रहा है, कोई देख तो रहा है, कोई कह तो रहा है, यानी कोई कुछ है हमारी बात में दम, तभी कोई दूसरा बोल रहा है। तो आपने क्या समझा? नो अपोज विदाउट अपोज। आपका जो व्यक्तित्व है बिना अपोज के हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं किसी देश की सरकार को अगर सही ढंग से चलना है या चलाना है तो अपोजिशन हमेशा, बोलो, सुदृढ़ होना चाहिए। अपोजिशन सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन अगर सुदृढ़ है तो सरकार अपने सही रास्ते पे चलती रहती है। अगर अपोजिशन ही कमजोर पड़ जाएगा फिर वो कुछ भी करने को तैयार रहता, बेफिक्र रहता है। तो इसलिए अपोजिशन रहनी भी बहुत जरूरी है। तो आप ये समझिए कि कोई तो है जो मुझको मेरी याद दिला रहा है। तो इन दोनों ही दृष्टिकोणों से मैं आपको बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं दोनों का उपकार रहता है। सोचिए, और ये नजर नजर की बात है भैया,
नजर नजर की बात है, क्योंकि आचार्य हरिभद्र सूरी कहूं, आचार्य हेमचंद्र सूरी कहूं, और यह मैं अपना व्यक्तिगत विचार भी कहूं, इतना कहता हूं कि कम से कम एक तरफ रहो आप, हाँ एक तरफ अपने व्यक्तित्व को एक तरफ बनाओ, एक तरफा। ये आप सोचोगे एक तरफा व्यक्तित्व कैसा होता है, तो मैं कुछ कहूं तो चार पंक्तियों से एक बात कह रहा हूं, कुछ भीख मांगने से बेहतर, गौर करना, कुछ भीख मांगने से बेहतर मजबूर ही रहना अच्छा, कुछ भीख मांगने से बेहतर मजबूर ही रहना अच्छा है, और झूठी चमक दमक से तो बेनूर ही रहना अच्छा है, झूठी चमक दमक से तो बेनूर ही रहना अच्छा है। अच्छा है दिलगीर, अच्छा है दिलगीर समय पर कर्म सही करते रहना, अच्छा है दिलगीर समय पर कर्म सही, अच्छे कर्म सही करते रहना, पर बगुले भक्तों की संगत से दूर ही रहना अच्छा है, पर बगुले भक्तों की संगत से दूर ही रहना अच्छा है। क्यों बोला ये मैं एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, ये आपके जीवन को भी समझा रहा हूं, अपने जीवन को भी समझा रहा हूं कि जिंदगी में या तो तुम हंस बनो, जिंदगी में या तो तुम हंस बनो और नहीं तो कौवे बन जाओ, बस ये बीच वाला मत बनो, ये बीच वाला मामला गड़बड़ है। कौन है बगुला? बगुला बीच में आता है। सुनो क्या बोला मैंने, या तो हंस बनो या कौवे बनो, ये बगुला नहीं बनना। बगुला क्यों नहीं बनना? बगुला यूं नहीं बनना क्योंकि पिक्चर क्लियर है दोनों तरफ। हंस जो है एक पिक्चर है क्लियर, उसको हम धर्मात्मा कहते हैं, हंस को, हंस की उपमा हम धर्मात्मा से लेते हैं और कौवे की उपमा हम पापात्मा से लेते हैं, पापी से लेते हैं। लेकिन जो बगुला है उसकी उपमा हम पाखंडी से लेते हैं, पाखंडी। तो पाखंडी है क्या? पाखंडी है दोगला, दोगला व्यक्ति, कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है, इसको हम बगुला कहते हैं, बगुला। हमने आपने देखा होगा बको ध्यान, एक जब बगुले का ध्यान होता ना बड़ा जबरदस्त होता है, ध्यान बड़ा जबरदस्त है, अरे उसके ध्यान के चक्कर में मछली फंस जाती है, क्योंकि जब वो खड़ा रहता है एक टांग पर खड़ा रहता है, अब मजा ले टांग इधर से उधर हो जाए, बिल्कुल आंखें बंद, टांग बिल्कुल स्टैंड, इतने ढंग से खड़ा होता है बगुला, मछली को लगता है कि या कोई घास की डंडी है, कुछ नहीं है, लेकिन बिचारी मछली का ये सोचना और उस टांग के पास से गुजरना और तुरंत बगुले ने चोंच मारना और उसे पकड़ना, और जब वो ऊपर आती है मछली तरफ के तब पता चलता भाई ये क्या हो गया, ये है बगुला। बगुला अंदर से भी बाहर से भी सफेद नहीं, हंस बाहर से भी सफेद है और अंदर से भी सफेद है, अंदर बाहर एक है ना, वहां पर हंस उसको कहते हैं जिसका अंदर बाहर एक है, उसको हम हंस कहते हैं, और कौवा किसको कहते हैं, जो बाहर से भी काला और अंदर से भी काला। पर पिक्चर क्लियर है ना, वह पिक्चर क्लियर है, वहां भी पिक्चर क्लियर है, आज की मार कहां खाता बताओ। बगुले यहां मार खा जाते हैं, तो मैं बगुले से भक्तों से बचने की प्रेरणा एक चीज देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ भी, कभी मैं निंदा के शब्दों में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक प्रेरणा दे रहा हूं कि जिंदगी में आप अपनी तस्वीर साफ रखो, कोई धोखा ना खाए आपसे, कोई आपके लिए गलत फहमी ना पाले कि हमने सोचा क्या था ये निकला क्या। एक कोशिश करो पिक्चर बनाने,
एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश कीजिए कि जहां आपकी पिक्चर क्लियर हो, क्योंकि पापी व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा हो सकता है, कभी भी धर्मात्मा। पापी में एक ये विशेषता रहती है, क्योंकि उसने कह दिया कि हाँ मैं पापी हूं, उसने कह दिया हाँ मैं गलत हूं, वो स्वीकार करता है कि हाँ मैं गलत हूं, तो वो कभी भी सही हो सकता है। पर लेकिन जो अंदर से गलत है लेकिन बाहर से इतना अच्छा करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, तो कभी कभी क्या होता है, आदमी को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये अच्छा है। इसलिए हमारे धर्म को, हमारे धर्म के अंदर तीन तत्व बड़े जबरदस्त बतलाए हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्राणि, मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन अरे हमारी जो है ना खेल, जैन धर्म पर जो है, जैन धर्म का जो फोकस है कहीं पर भी, वो नजर के ऊपर है, सारा खेल नजर का है। आप क्या देखते हो ये आपकी नजर है, आप क्या सोचते हो ये आपकी नजर है ना, क्योंकि सोच को भी नजर कहते हैं, नजर को भी नजर कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक गुरुकुल के अंदर एक गुरु बैठे हुए और उनके शिष्य सामने बैठे हुए, गुरु ने कहा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, सभी शिष्य हाथ जोड़ के बैठ गए, फरमाइए गुरुदेव, हम तुमसे एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं, कहो। रोशनी, रोशनी तो जिसने हाथ जोड़ रखा था पहले नंबर पे, कहा कि गुरुजी मैं बताता हूं इसका जवाब, तो बोलो कि सबसे बढ़िया रोशनी होती है सूर्य की। ओ, अच्छा, फिर गुरु का मन अभी भरा नहीं, क्योंकि गुरु जहां ले जाना चाहता था वहां पर वो उसका जवाब सही बैठ नहीं रहा। जब गुरु ने उसकी बात सुन के आंख बंद करी और दूसरे की तरफ आंख खोली, उसने सोचा मेरी बारी। हाँ गुरु जी, मेरी दृष्टि में जो रोशनी होती ना सबसे अच्छी, आह वो होती है चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी, शीतल शीतल शीतल, उसकी चांदनी में चमक भी होती है और शीतलता भी होती है। ओ, फिर गुरु ने आंख बंद करी, फिर आंख खोली, आंख खोली तो तीसरे शिष्य पर फिर नजर पड़ी। तीसरे शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी मेरी दृष्टि में हीरे की रोशनी, हीरे की जो चमक होती है, हीरे की जो चमक होती है, क्योंकि पहले हीरे चमका करते थे, हीरे की जो चमक होती है, जो रोशनी होती है, वो बड़ी जबरदस्त होती है। फिर आंख बंद करी, फिर खोल ली, जब आंख खोली तो चौथे पर फिर नजर पड़ी, लगा यार उनके मामला भी जमा नहीं। तो चौथे ने कहा जी सुनो सुनो सुनो, मेरी दृष्टि में जो बल्ब होता है, बल्ब बल्ब पता नहीं उस समय था या नहीं, समझ लो हमने पैदा कर दिया, कि बल्ब की रोशनी, ट्यूब की रोशनी बहुत अच्छी होती है। ओ, फिर आंख बंद करी, फिर खोली, जैसे खोली पांचवें पर नजर पड़ी, वो बोला कि सुनो जी ये जितने भी बता रहे हैं ना रोशनी, कोई कोई सूर्य बोल रहा है, कोई चंद्रमा बोल रहा है, कोई हीरा बोल रहा है और कोई ट्यूब बोल रहा है, मेरी दृष्टि से तो एक नजर एक रोशनी सबसे बड़ी अच्छी होती है, वो होती है दीपक की रोशनी। कैसे, अपने हाथ में रखो और कहीं जाओ, अब बल्ब तो दीवार से हटेगा नहीं, चंद्रमा ऊपर से नीचे आ नहीं सकता और दिन में दिखाई नहीं देता, सूर्य रात को दिखाई नहीं देता, और कम से कम दीपक ऐसा जब चाहो जब जला लो। हाँ? रात में अब तुम क्या देख रहे हो, क्या पता
वहां कहां चंद्रमा तो होगा नहीं, उस समय तो द्विपति काम आएगा ना। बात तो ठीक है। और देखो जी, हीरे तो हर किसी के पास होंगे नहीं, कोई राजा के पास होगा, कोई सेठ के पास होगा, गरीबों के पास क्या होगा। तो एक रोशनी है दीपक की, और जो सबसे बढ़िया रोशनी है, चाहे अमीर जलाओ चाहे गरीब जलाओ, और अंधेरे में रोशनी बड़ा काम देता है और सस्ता भी बहुत होता है। वेरी। उसने सोचा कि अब बन गई बात। फिर गुरु ने आंख खोली, हाथ जो जुड़े हुए थे चेलों के सबके नीचे, अब इसके आगे क्या बोले। तो गुरु ने कहा, बेटा एक रोशनी बड़ी और महत्वपूर्ण होती, तुमने इसके आगे कुछ सोचा? नुके जी, इसके आगे तो कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। नुके, इसके आगे मैं बतलाता हूं तुमको कौन सी महत्वपूर्ण रोशनी है। वो रोशनी होती है आंखों की रोशनी। नहीं समझ में आई? आंखों की रोशनी। आप ये सोचिए, अगर आपकी आंख में ही रोशनी नहीं है तो सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, हीरो की रोशनी, बल्ब की रोशनी, दीपक की रोशनी क्या काम आएगी? काम तो अपनी आंखों की रोशनी आएगी, अपनी आंखों की रोशनी काम आती है, अपनी आंखों की। अगर आंखों में ही रोशनी नहीं है तो सारी रोशनी बेकार है, सारी ही रोशनी बेकार है। ये कहावत आती है संस्कृत के अंदर, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति। कितनी गजब की बात है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारी आंख ही नहीं है तो दर्पण क्या करेगा, आईना क्या करेगा। आईना केवल आंख वालों के लिए रहता है, अंधों के लिए आईना नहीं होता है, जिनकी आंखों की रोशनी। तो इसलिए आपको कहना चाहता कि जितना भी हमारा जप है, तप है, तपस्याएं हैं, इसके पीछे एक ही मकसद होना चाहिए। कौन सा? शिष्टाचार प्रशंसका है। जहां भी तुम अच्छा देखते हो उस अच्छे को स्वीकार करने की महारत हासिल करना, और हासिल ही नहीं करना बल्कि उसकी अनुमोदना करना, उसकी प्रशंसा करना। किसी में कुछ विशेषताएं देखी, उन विशेषताओं की अनुमोदना करना, और अनुमोदना करने से ही आपके जीवन के अंदर वो पावर आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है, जो आपको भी अनुमोदनीय बना देती है। आज हम किसी की अनुमोदना करेंगे, कल कोई हमारी भी अनुमोदना करेगा। अगर आज हम किसी की निंदा करेंगे तो कल कोई हमारी भी निंदा करेगा। ये दिल में बैठ जाए, आपके अंदर तक चली जाए कि मैं अगर किसी की निंदा करूंगा तो कल कोई भी मेरी निंदा करेगा, लेकिन हम किसी की अनुमोदना करेंगे तो वक्त हमारी भी अनुमोदना करेगा। आज मैं 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, वो इसलिए छोड़ रहा हूं कि हमारे संघ के मंत्री जी को बोलना है, रोशनलाल जी को, आपका समय पर सब कुछ पूर्ण हो जाए। इसलिए तो गीत की पूर्णाहुति कर लेता हूं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली,